सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। अब हम देखते हैं, ये केमिस्ट्री का पार्ट 5 है, नील्स बोर मॉडल, जैसे हम बोर मॉडल के नाम से जानते हैं। बोर में जो था रदरफोर्ड के जो मॉडल के दो दोस्त थे उनको दूर किया। पहला दोस्त था इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व को नहीं बता पाए, दूसरा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नहीं बताया। साथ ही बोर ने तीसरा मॉडल को परमाणु के जो चक्रण था उसके क्रमांक को भी बताया, यानी उसमें सब ग्रुपों को भी डिक्लेयर किया, यानी सारे कॉम्पिटिशन अलग अलग किए। बोहर का पहली बात थी कि बोहर कहता है नाभिक के चारों जो इलेक्ट्रॉन हैं एक स्थायित्व के बारे में, उनकी स्थिति को नोटेड किया, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अनिश्चित कक्षा में परिक्रमण ना करते एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं और ये क्लॉकवाइज चलते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है तो निकट वाली कक्षा से दूर वाली में या दूर वाली कक्षा से पास वाली कक्षा में आ जाता है। जब दूर वाली से निकट वाली में आता है तो कुछ उत्सर्जन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, इससे विद्युतीय चुंबकीय किरणें निकलती हैं और इन कक्षा के लिए कोणीय संवेग यानी एंगुलर वेलोसिटी का बताया एम म्यू आर एन एच डिवाइड बाय 2 पाई होता है, जहां NH कक्षा की संख्या को बताता है। बोर ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर क्वांटम के मैकेनिकल मॉडल को भी प्रस्तुत किया। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों, जो हम पहले बताया मैंने आपको, एक निश्चित गोलाकार पथ में चक्कर लगाते हैं। ये गोलाकार चक्कर जो बताया इसको इन्हें दिया ऊर्जा का स्तर कहा, और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो गैप बचा वहां पे एक बल कार्य करता है जिसे हम अट्रैक्शन फोर्स कहता है, जो इलेक्ट्रॉन के सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल टू होता है, यानी अभिकेंद्रीय बल के बराबर। प्रत्येक ऊर्जा का एक स्तर निश्चित ऊर्जा होती है, ऊर्जा स्तर को क्रमशः के एल एम एन बताया, 1 2 3 4 यानी पहले ग्रुप पहले आपका के, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये नंबर दिए हमने। जब कोई एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्रोत की ओर जाता है या निम्न से उच्च की ओर, तो ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जब भी निम्न कक्षा से कोई इलेक्ट्रॉन उच्च में जाएगा तो हमेशा जो एनर्जी होगा उसका एब्जॉर्ब करेगा, और जब उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये चीज इनने प्रूव की। फिर देखते हैं इसके आगे हम चल के, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसमें जिनमें उसके कोणीय संवेग का मान mvr इक्वल टू n2a होता है, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या है, b इलेक्ट्रॉन का वेग है, r कक्षा की त्रिज्या है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और n प्लैंक नियतांक होता है। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ओर। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। नील्स बोर ने परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने कुछ नियम बनाए जिन्हें हम बोर बरी योजना कहते हैं। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n2, दोस्तों यहाँ 2n का स्क्वायर है, मैं पावर नहीं लगा पाया था इसमें, पावर कैसे लगाते ये आता नहीं है। जहां n कक्षा की संख्या होती है, परमाणु सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक, इससे पहली वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, यानी सबसे आउटर में 8 से अधिक नहीं होंगे, यानी सबसे अंत वाली कक्षा में ये मान सकते हैं 8 होते हैं और इससे पहली वाली जो कक्षा होगी उसमें 18 होते हैं, यानी 18 से ज्यादा नहीं। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n के अनुसार पूर्ण होने पर इलेक्ट्रॉन उसमें अगली कक्षा में जाएंगे,
आपके तो जहाँ जब बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नई कक्षा में प्रवेश करना प्रारंभ कर देता है। सबसे बाहरी कक्षा में 2 से अधिक नहीं और उससे पहले वाली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते जब तक बाहर की तीसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n के अनुसार पूरी न हो जाए। इस नियम से किसी तत्व के परमाणु क्रमांक परमाणु भार ज्ञात होने पर उस तत्व की परमाणु संरचना ज्ञात की जा सकती है। इस नियम के कुछ अपवाद थे जैसे कॉपर, सिल्वर, सोना, क्रोमियम आदि। अब हम एक एक कोश को पढ़ते हैं। पहला सेल इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन तब तक इन कक्षाओं में लगाते रहेंगे जब तक कि ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण नहीं होता। इन कक्षाओं को हम मुख्य ऊर्जा स्तर या कोश कहते हैं। इन कक्षाओं में के एल एम एन 1, 2, 3, 4 से प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर होगी। ठीक, इसको आधुनिक परमाणु मॉडल से इसको पहले जो कोष वाला भाग है इसे हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। फिर आता है उपसेल यानी सब सेल। प्रत्येक कोष या मुख्य ऊर्जा स्तर की ऊर्जाएं समान नहीं होती तो कोष को पुनः हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवीजन करते हैं जिसे उपकोष कहते हैं। क्रमशः एस पी डी एफ एच ओ से हम प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक कोष को 1, 2, 3, 4 उपकोषों में विभाजित किया गया। अब आते हैं ऑर्बिटल में कक्षक क्या होता है। किसी परमाणु के नाभिक के चारों वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है वो कक्षक है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से परिक्रमा करता है। इस कारण नाभिक के आसपास निर्णात्मक विद्युत आवेश धुंधला सा बादल बन जाता है जिसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहा। तो एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है। इसलिए कि नाभिक के जो आउटर ओर इलेक्ट्रॉन का एक धुंधला सा बादल होता है उसे हम कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं अपवाहक का नियम। इसके बाद देखते हैं हम अपवाहक का नियम। अपवाहक जो शब्द होता है जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग होता है बनाना या रचना करना। अपवाहक पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक के विन्यास को बताया था। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित विभिन्न कक्षकों में यानी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो होगा ऊर्जा के इंक्रीज ऑर्डर में हमेशा एंटर करता है यानी कि ऊर्जा के बढ़ते क्रम में ही प्रवेश करेगा। इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम 1s कक्षा में प्रवेश करता है। जब 1s कक्षा पूर्ण हो जाती है तो 2s कक्षक में प्रवेश करता है। जब ये भी पूर्ण हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में प्रवेश करेगा अर्थात इलेक्ट्रॉन बढ़ती ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में ही प्रवेश करता है। तो अपवाहक का जब भी प्रिंसिपल पूछा जाएगा आपको उसका प्रिंसिपल लिखने को नहीं आएगा, आपसे बस ये पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का विन्यास किसने बताया या इलेक्ट्रॉन को के बढ़ते क्रम में किसने डिस्कवर किया तो हम उसका अपवाहक नियम रखेंगे। ये हमारा केमिस्ट्री का 5वां भाग कंप्लीट हुआ और आगे के जो प्रिंसिपल हैं हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में जो केमिस्ट्री का पार्ट 6 होगा। इसके आगे का वीडियो हम आज के बाद देखते हैं।